भूटान सीमांत शहर जेगांव के जेगांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोपीमोहन हॉस्पिटल में समाज सेवी संस्था तेरा पंथ महिला मंडल द्वारा रोगियों के बैठने के लिए कुर्सियों का प्रबंध कराया गया। कुर्सियों का उद्घाटन जेगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा एवं जेगांव एक ग्राम पंचायत प्रधान कमल पाखरिन द्वारा किया गया। इस मौके पर जेडीए चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा ने संस्था के इस कार्य को सराहना की एवं संस्था द्वारा आने वाले दिनों में इसी तरह से सामाजिक कार्यों को करने के लिए शुभकामनाएं दी। तेरा पंथ महिला मंडल की अध्यक्ष राजकुमारी गुड़ावत ने बताया कि लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जेगांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कुर्सियों को संस्था द्वारा लगाया गया है एवं आने वाले दिनों में भी इसी तरह से लोगों की भलाई के लिए कार्य किया जाएगा। जेगांव के तेरा पंथ सभा अध्यक्ष विनय जैन ने कहा कि जेगांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आने वाले मरीजों को बैठने के लिए कुर्सियों की काफी जरूरत थी, जिसे देखते हुए आज तेरा पंथ महिला मंडल द्वारा यहां कुर्सियों का प्रबंध किया गया। इससे जेगांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आने वाले मरीजों को बैठने के लिए सुविधा होगी। मैडम, आज का कार्यक्रम के विषय में जानकारी दीजिए। ये हमारे महिला अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला अंतर्गत में ये प्रोग्राम दिया गया था, उसके उद्देश्य से हमने ये लगाया। कन्या सुरक्षा के उद्देश्य से ये कार्यक्रम हमारा हर साल आता है, इसी से लगाए हैं। क्या कार्यक्रम है? ये चेयर का है। यहाँ पे चेयर की बहुत आवश्यकता थी बैठने के लिए, तो हम लोग ने सोचा कि ये चेयर यहाँ पे लगाई जाए और पब्लिक के लिए सुरक्षा हो सके बैठने की सुविधा। कार्य इसे यहाँ के लिए करने के बारे में विचार किए? हम आगे भी ऐसे और कार्य करते जाएंगे, यहाँ की सुविधा अनुसार कुछ न कुछ सुविधाएं देते रहेंगे। मैडम, आपका नाम और परिचय? राजकुमारी घोड़ावत, तेरापन महिला मंडल अध्यक्ष, जयगांव भूटान। गंगा जी, आज जयगांव का जो पीएचएससी सेंटर है वहाँ पे आज सीटिंग का अरेंजमेंट एक संस्था द्वारा किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज जयगांव गोपीमोहन में स्थित जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसमें तेरा पंच महिला मंडल जयगांव शाखा के द्वारा और पेशेंट आउटडोर पेशेंट के लिए चेयर का व्यवस्था किया गया है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। जयगांव में हम लोगों को बहुत मुश्किल से अभी हम लोगों ने ये पीएचसी जो है इसको चालू करवाया है। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, यहाँ काफ़ी पेशेंट का बहुत दबाव रहता है, प्रतिदिन 200 के ऊपर लोग यहाँ पर दिखाते हैं डॉक्टर को, तो उनको बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। ये जो तेरा पंथ महिला मंडल द्वारा यहाँ पर जो ये सेवा कार्य किया गया है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं। हमें मालूम है तेरा पंथ महिला मंडल का तेरा पंथ समाज सब समय लोगों की सेवा के लिए अग्रसर रहता है। हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में भी वो समाज में ऐसे ही सेवा का कार्य करते रहें और समाज के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते रहें। विनय जी, आज तेरा पंथ महिला शाखा द्वारा आज यहाँ पे चेयर का अरेंजमेंट किया गया है, और क्या क्या प्लानिंग है और इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबको नमस्कार, मैं विनय नाटा जयंत सितम्बर तेरापंथ सभा अध्यक्ष जयगांव शाखा। हम लोग यहाँ पर महिला मंडल, हमारी महिला मंडल ने काफ़ी दिन से एक देख रहे थे कहाँ ज़रूरत है, तो यहाँ हॉस्पिटल लास्ट टाइम हमारा आना हुआ, वहाँ पेशेंट की भीड़ देख के हमको लगा कि इनको बैठने की जरूरत सख्त ज़रूरत है। उसी को विषय को लेकर के हमने चिंता भावना करके महिला मंडल ने अपने फंड से यहाँ बेंच लगवाया है, और इससे हमको आशा है कि काफ़ी जो बीमार पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो यही सोच के हम लोग अपना एक सोशल वर्क जो बेंच लगाने का था उसका आज पूरा किया। इसमें आप सभी का और गंगा जी का, कमल पाखरिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सबने आके हमारे सहयोग बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया, हमारी महिला मंडल का सबका बहुत बहुत मनोबल ऊंचा हुआ है, और आने के दिन में हम लोग और ऐसा काम करते रहेंगे। धन्यवाद। दादी जी, आप कब से लाइन में खड़े थे? हो गया 2 घंटा। 2 घंटा? 2 घंटा में पैर दर्द हो रहा था, दर्द हो रहा था। अभी बैठने का बंदोबस्त कर दिया आप लोग के लिए, पैर दर्द ना करे इस वजह से, है कि नहीं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। ये सब तो जो मिलके किया, जो जिनके द्वारा ये किया गया उनको क्या कहना चाहते हो? धन्यवाद देना चाहते हो। आपका नाम? धन्यवाद। नए साल की खुशखबरी, जेगांव से पानी टंकी वाया सिलीगुड़ी का सफर हुआ आसान। माँ अमीना बस सर्विस लेकर आए हैं जेगांव पानी टंकी दिल्ली बस सर्विस, आरामदायक एवं बेहतरीन बस सर्विस आप सभी के लिए।
जयगांव भूटान गेट से सुबह 5 बजे प्रस्थान समय एवं पानी टंकी से दोपहर 1 बजे प्रस्थान समय। अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8967538025 एवं 9547501784। आपका यात्रा मंगलमय हो।